ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में प्रदेश के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई की हत्या की कोशिश की गई है। आरोपी कार में सवार होकर आए थे। इन लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने कार सवार युवकों को सड़क पर शराबखोरी करने से रोका था। इस घटना के बाद पूरी रात आरोपियों की तलाश में पुलिस उनके घर से लेकर शहर में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देती रही। 5 आरोपी दबोच लिए गए हैं। देखिए मृदुभाषी के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना पुरानी छावनी अंतर्गत ऋतुराज होटल है और इसमें कल रात 10 बजे करीब की घटना है। 2 वाहनों में, जिसमें एक एलेंजा थी और एक स्कॉर्पियो, 2 वाहनों में सवार कुछ नवयुवक यहाँ आए और उन्होंने ये रोड पे 2 चक्कर लगाते हुए बहुत तेज़ी से, एक हल्की सी कहासुनी के बाद उन्होंने 2 बार गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट पर से FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें से 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक वाहन भी जब्त किया गया है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इस घटना के पीछे क्या कारण थे इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, क्या लगता है ये कहाँ के बदमाश हैं, सर कुछ पता चला? ये सभी मुरैना के रहने वाले हैं और इसमें एक SAF का आरक्षक भी है। उन्होंने आके यहाँ पे एक रेत के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद जो परिसर में निर्माण कार्य हो रहा है उसी का एक रेत वहाँ पे थी, उसके बाद स्टाफ वहाँ उनको टोकने गया और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। कर रहे थे सीधे तौर पर, ये एलिगेशन है कहा जा सकता है और उनकी जो हरकतें उसमें दिख रही हैं फुटेज में, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो एक बदमाशी की गतिविधि थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।